एक बार फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है, वहां खतरा लाहक है, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए और एनकाउंटर साइट पे आने से गुरेज करिए। मेहरबानी कीजिए, वापस चले जाइए, घर में आपके वालदीन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी जानें हमारे लिए बहुत कीमती हैं, आप चले जाइए वापस। पुलवामा में आतंकियों के सफाए के बाद पाकिस्तान परस पत्थरबाजों की सहानुभूति छलक रही है। 40 देशभक्तों की शहादत की साजिश रचने वाले शैतानों के साथ ये पत्थरबाज खड़े हैं, जो खाते हिंदुस्तान का हैं और गाते पाकिस्तान का। आज ही पुलवामा में हमारे 4 सपूत शहीद हो गए, एक मेजर और 3 जवानों ने जान की आहुति दे दी। आप नौजवानों से मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ कि आपकी जान जो है हमारे लिए निहायत ही कीमती है। आप नौजवान हैं, आपकी जिंदगी है आगे, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइए। 14 फरवरी को आतंकवादियों ने जिस जगह सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था, वहां से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर इस इलाके में सेना ने इंतकाम ले लिया। पुलवामा की साजिश जिस शैतान ने रची थी, उस गाजी राशिद उर्फ कामरान को ढेर कर दिया गया। आज का ऑपरेशन हिसाब बराबर करने वाला था। 100 घंटे के भीतर जैश को करारा जवाब दिया गया है। हमने 100 घंटे में शहादत का हिसाब लिया, लेकिन शैतानों के शुभचिंतकों को ये बात अच्छी नहीं लगी। आतंकियों के हमदम, आतंकियों के दोस्त हाथों में पत्थर लेकर अपने ही सुरक्षा बलों के सामने खड़े हो गए। अब वक्त आ गया है जब सेना पर प्रहार करने वाले पत्थरबाजों का तरीके से हिसाब किया जाए।